हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताओगे भाई आप सभी कैसे हैं। मैं निधि राणा आप सभी के साथ फिर से जुड़ गई हूँ वोकैब के सेशन के साथ। आप सभी जैसा कि जानते हैं एंड शायद आप सभी के सभी मेरे साथ घर पे बोलेंगे कि ये जो सेशन है इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक बार सभी के सभी भाई लाइक और शेयर कर दोगे सेशन को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए आज का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सोल। एक तो सोल आपके जो जूतों के तरवे में होती है वो होती है ना। एक होता है जैसे हम बोलते हैं सोल सर्वाइवर, जैसे कि यही एक अकेला इंसान बचा है। सोल प्रोप्राइटर मतलब इसके अकेले की ही कंपनी है। तो मतलब क्या है अकेला, एक अकेला, इकलौता भी बोल सकते हो, एकमात्र भी, वन है और सिंगुलर ऑफ कोर्स वन जो है भाई सिंगुलर होता है, इंग्लिश का वर्ड है आप जानते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा न्यूमरेबल, मतलब बहुत ही सारे हैं, नंबर करे जा रहे हैं सिंगुलर का प्लूरल, इजी है ये बहुत। नेक्स्ट आपका मैंडेटरी, आपको पता भी होगा काफी बार पढ़ा भी हुआ है, कोई भी ऐसी चीज जो करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अनअवॉइडेबल है, करना ही पड़ेगा, है ना, अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है, करना ही है, ऑब्लिगेटरी है, ड्यूटी हो गई भाई। जैसे कि आपके लिए लाइक और शेयर करना क्या है भाई, मैंडेटरी। इनएविटेबल, भाग नहीं सकते हो, कंपल्सरी है ना, जैसे आपके स्कूल में होते थे कंपल्सरी सब्जेक्ट, अनअवॉइडेबल है। एंटोनिम क्या हो गया, ऑप्शनल, करना है करो, नहीं करना ना करो, ऐसी कोई भी चीज़ अभी सेशन में नहीं है, सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट है स्पेयर, मैंने आपको एक बार कराया था स्पेयर्ड, है ना, तो उसमें क्या था कि किसी को बख्श दिया, ये है स्पेयर, मतलब कि कोई चीज़ जो अतिरिक्त बची हो, है ना, एक्स्ट्रा बची हो वो चीज़। जैसे कि मान लीजिए कभी कपड़े बनते हैं, सूट वगैरह बनते हैं, तो वो जब सूट अब बनता है तो उसमें से थोड़ी बहुत इधर उधर की, जैसे आप बोलते हैं, हम बोलते हैं कतर बोलते हैं उसको, है ना, जो कपड़ा बच जाता है कि कतर बच गई, तो वो क्या है, वो क्या है वहाँ पर, वो जो छोटा सा बच गया है कपड़ा वो क्या है, स्पेयर पार्ट है, ठीक है, तो वो है यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है। सेकेंडरी है मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हमारे लिए, सप्लीमेंट्री है, साथ में है, एडिशनल है, साथ में, अपने को चाहिए नहीं वैसे। एंटोनिम क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिस कपड़े का सूट बना है ना, वो वाला यूजफुल है, वो जो छोटी सी कतर बच गई वो तो यूजफुल है नहीं। नेक्स्ट है प्रैग्मैटिक, ये मैंने आपको बहुत पहले कराया था। प्रैग्मैटिक का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल, है ना, कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिकल हो भाई, कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, सेंसिबल हो वो चीज़, रियलिस्टिक हो, रियल में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, रीजनेबल, प्रैक्टिकल, ठीक है, सेंसिबल है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक तो डायरेक्ट है इम्प्रैक्टिकल, एक है आइडियलिस्टिक, एक आप कर सकते हैं अनरियलिस्टिक। जैसे बोल देते हैं ना, तुम्हारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आइडियलिज्म है, ये इसी पर ही आधारित है कि आप परफेक्ट होने के पीछे भागते हो आइडियलिज्म में, जो कि एक अनरियलिस्टिक चीज़ है, कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। मैक्सिम, मैक्सिम अगर आपने बहुत बार देखा हो टीचिंग पेडागॉजी में तो बहुत यूज़ होता है। क्या मतलब है इसका, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि कहीं यूज़ करे गए और वो सही निकले, तो उनको हमने बना दिया कि हाँ भाई हर जगह ये यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहावतें होती हैं, सेइंग है, क्लीशे, क्लीशे का क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो बहुत बार काफ़ी जगह पर वाइडली बोली गई है, अब लोगों को वही सच लग रही है, चाहे वो ओरिजिनल चीज़ हो या ना हो, ठीक है। प्रोवर्ब है आपकी, कहावतें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, लोकोक्तियाँ होती हैं आपकी। नेक्स्ट है सॉन्टर, सॉन्टर का क्या मतलब है, आप ऐसे ही भाई निकल गए हो घूमने इधर उधर, है ना, मतलब वॉक कर रहे हो लेकिन बहुत ही आराम आराम से, स्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं। वॉन्डर मतलब इधर उधर बस कुछ सोच रहे हो और घूमे जा रहे हो। मियांडर, जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि खाना खाने के बाद सैर पर निकल गए तो क्या है, मियांडर। नेक्स्ट है इम्प्रिकेट, इम्प्रिकेट भी एक बार कराया था, किसी को बुरा भला बोलना, है ना, कर्ज मतलब उसके बारे में बुरा बोलना, श्राप देना, प्रोफैनिटी गलत लैंग्वेज यूज करना, मालडिक्ट मतलब गलत तरीके से बोलना। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्रूड, ऑब्ट्रूड का क्या मतलब है,
कि फोर्सफुली आप, जैसे हम बोलते हैं कि ये जो उनका फैसला था ये उन्होंने खुद लिया, उनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं था, वो चीज़ है ऑब्ट्रूड, ठीक है। मतलब फोर्स करना, इन्फ्लिक्ट करना, किसी के ऊपर इम्पोज करना, वो चीज़। तो जब उन्होंने खुद लिया डिसीजन तो उनके ऊपर ऑब्ट्रूड नहीं था, ठीक है। ऑब्ट्रूड का क्या मतलब है? किसी को इन्फ्लिक्ट करना, किसी को आप, किसी के जो फैसला होता है उसको आप इफेक्ट कर। नेक्स्ट आपका हीडियस। एक बार हमने ऐसे ही इंसीडियस भी किया था, एक मूवी भी है इंसीडियस, हॉरर सी, ठीक है। अब है हीडियस। हीडियस का भी ऐसा ही मतलब है कि कुछ चीज़ जो अच्छी ना दिखती हो, है ना, थोड़ी सी बेकार सी दिखती हो। हीडियस का मतलब है मतलब कि ऐसे ऐसे उसमें मतलब कुछ छुपा हो सकता है, कुछ बुरा ऐसा, ठीक है। अनप्लीजेंट है, बेकार सा है, ग्रूसम मतलब कि अच्छा नहीं है देखने में, फ्रीकी डरावना सा भी लग रहा है। एंटोनिम क्या है भाई? बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ब्यूटीफुल घर आप ले सकते हो इसमें। नेक्स्ट है ब्रोच। एक तो ब्रोच आपका यहाँ लगाने वाला ब्रोच होता है, ये वह कौन से वाला ब्रोच है? जब आप कोई मान लीजिए डिस्कशन चल रहा है उसमें आपको एकदम से कुछ याद आया और आपने वो बात वहाँ बोल दी, मेंशन कर दी, वो वाला है ब्रोच, है ना। रेज, आपने कोई बात रेज कर दी, कोई क्वेश्चन रेज कर दिया, ब्रिंग अप, मेंशन कर दिया आपने कोई चीज़। नेक्स्ट है आपका इडियम फ्रेज, करवाया हुआ है पहले भी, गो कोल्ड टर्की, मतलब अचानक से आप कोई भी अपनी बुरी आदत जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ देते हो, है ना, ऐसी कोई भी चीज़ जब होगी तो होगा गो कोल्ड टर्की। नेक्स्ट है ब्रेक द बैंक, ये भी करवाया हुआ है कि भाई अगर बहुत महंगी चीज़ खरीद ली है, पैसे नहीं है तो भाई बैंक लूटना पड़ेगा, है ना, बैंक ब्रेक द बैंक मतलब कोई एक्सपेंसिव चीज़। नेक्स्ट है टू बी क्लोज फिस्टेड, क्लोज टू बी क्लोज फिस्टेड है ना, मतलब बंद हुई हुई मुट्ठी। अब जब ये बंद हुई हुई मुट्ठी है, अगर इसमें पैसे हैं तो बहुत ही कम पैसे यहाँ यहाँ से निकल सकते हैं, है ना। जब मुट्ठी बंद है तो पैसे नहीं निकलेंगे, आपको पता है। तो जो ऐसा कर लेगा कि मेरे से पैसे ना निकले वो कौन है? कंजूस, है ना। टू बी क्लोज फिस्टेड का क्या मतलब है? कंजूस, माइजर। नेक्स्ट है लिविंग हैंड टू माउथ, मतलब कि वो जी रहे हैं हैंड टू माउथ, बस इतना ही, मतलब कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं, इसका मतलब ये है वेरी पुअर। नेक्स्ट है आपका एज जेन्युइन एज अ $3 bill, मतलब कि जो $3 है भाई उसका कोई नोट नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ₹3 का नोट नहीं है, ऐसे ही $3 का भी नोट नहीं होता है। तो अगर है तो ऑफकोर्स वो नकली है, है ना, आपको कोई उल्लू बना रहा है भाई, ये फेक है, वो चीज़ नकली है। तो ये क्या एक सरकाजम वे है कि अच्छा इतना ही सच है जितना कि ₹3 का नोट, है ना, तो ऑफकोर्स वो सच नहीं है वो चीज़। नेक्स्ट है idiom phrases। हमने एक बार अभी फियर ऑफ स्नेक्स किया था, कॉमेंट में बताना क्या था उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम करें फियर ऑफ कैट्स। फियर ऑफ कैट्स का क्या मतलब है? एल्यूरियोफोबिया। तो ये है फियर ऑफ कैट्स, ये भी थोड़ा सा देखो लर्न करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, जहाँ जहाँ जुगाड़ लगता है मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट आपका सैंकफ्रॉइड। सैंकफ्रॉइड का क्या मतलब है? कैसे याद रखेंगे, है ना, इसको हम करेंगे संत। संत, ये हिंदी वाला संत, कि वो तो भाई संत आदमी है, है ना, कितनी भी मुश्किल आ जाए उसके ऊपर वो क्या है, शांत रहता है, संत है, बिल्कुल शांत है, है ना। क्या है देखो, एनेबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थितियों में भी आप क्या है, शांत है। नेक्स्ट है फिलोजेनिस्ट। इसका जो उल्टा होता है वो होता है मिसोजेनिस्ट, है ना। तो ये जो है जेनिस्ट, ये क्या है जेने, ये होते हैं वुमेन, ठीक है। तो मिसो का मतलब है हेट करना, फिलो का मतलब है अच्छा लगना, जैसे कि फिलैंथ्रोपिक भी होता है, है ना। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है? जो दूसरे के भले के लिए कुछ करे। तो फिलो जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, मिसो जो है वो नेगेटिव। तो यहाँ बोला है फिलोजेनिस्ट मतलब जिसको वुमेन पसंद हो, वुमेन वगैरह जो हैं वो पसंद हो, मिसोजेनिस्ट जिसको ना पसंद हो, जो उनको नफरत करता हो। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा करे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, सब्सक्राइब करना है,
मेरे साथ आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश मेड इजी विद निधि, इसमें ई और एन जो है ना ये कैपिटल रखना है आपको, इसमें जो ये ई और जो ये एन है ये कैपिटल रखना है। टेलीग्राम ग्रुप है, आपको ज़रूर मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लास की अपडेट्स वगैरह सब मिलेगा। आपको कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो कैब बकेट आपकी डेली सुबह 8 बजे, इंग्लिश की क्लास डेली दोपहर 2 बजे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी प्रेप कर यूट्यूब चैनल पर ही 2 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्लास को लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो हर बार, और 2 बजे ज़रूर आना। थैंक यू सो मच।